नमस्कार दोस्तों, तो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल और जो अमेजन ग्रेट इंडियन सेल बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, बहुत ही जल्द मतलब कुछ दिन बाद ही शुरू होने वाला है। वैसे इस सेल के दौरान अलग अलग प्राइस पॉइंट में क्या का टॉप 5 स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में देख सकते हैं या फिर चैनल पे जो वीडियो सेक्शन उसमें ओपन करके देखना। पिछले डेढ़ हफ्ते में मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है, लेकिन आज इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका बजट है आज के दिन में सेल के दौरान 10,000 रुपए और इस 10,000 रुपए पे सबसे बढ़िया ऑलराउंड गेमिंग स्मार्टफोन आपको लेना है तो उसके लिए कौन सा होगा सबसे बढ़िया, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटल चैनल पे नए हैं और ऐसी सेल रिलेटेड वीडियो इस सेल के दौरान डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, तो आज के जो गेमिंग रिलेटेड वीडियो बनाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक गेमिंग स्मार्टफोन इसका मेन चीज क्या है, ऑब्वियसली प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे बेस्ट प्रोसेसर होना चाहिए, ये होगा इसका नंबर वन प्रायोरिटी। अगर ये चीज फुलफिल हो जाता है फिर हमें देखना पड़ेगा कि उस स्मार्टफोन में हमें कितना ज्यादा रैम और स्टोरेज का क्वालिटी और क्वांटिटी मिल रहा है। अगर ये सब भी हो जाता है फिर हमें देखना पड़ेगा इसमें हमें रिफ्रेश रेट मतलब डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट और टास्क रेट का कॉम्बिनेशन कितना मिल रहा है, फिर हमें बाकी चीज हमें देखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ को मिलाने के बाद मेरे ख्याल से नंबर वन गेमिंग स्मार्टफोन 10,000 रुपए पे आज के दिन में पोको M5, लेकिन इसका हाइस्ट वेरियंट। ये जो स्मार्टफोन अभी फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है करेंटली इसका प्राइस है 10,500 रुपए, लेकिन सेल के दौरान यही फोन आपको मिल जाएगा 10,000 या फिर उससे नीचे। तो इसमें आपको मिलेगा 6.58 इंच फुल HD प्लस 90Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 240Hz का टास्क सबलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा हीलियो G99 प्रोसेसर, 52 और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 6GB रैम, 128GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.1 और उसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, 18W का चार्जर और उसके साथ ये सिंगल स्पीकर का ऑप्शन। और अगर मैं इसके कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5mm जैक। अभी इस स्मार्टफोन को मैंने जो नंबर वन पोजीशन में रखा है इसका बहुत सारा रीजन है। पहली बात, इसका जो प्रोसेसर, मैंने क्या चीज कहा था 10,000 के आसपास का सबसे बेस्ट प्रोसेसर होना चाहिए गेमिंग के लिए, और अभी इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर है हीलियो G99, तो वो चीज आपको मिलेगा। उसके बाद हमें क्या चीज देखना पड़ेगा, सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा रैम और स्टोरेज का क्वालिटी और क्वांटिटी हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये एक्चुअली प्राइस पॉइंट का वन एंड ओनली ऐसा डिवाइस है जो कि आपको 6 128GB ए जो वेरिएंट आपको प्रोवाइड करेगा, वरना कोई भी ब्रांड ए जो वेरिएंट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। उसके साथ इसमें हमें मिलेगा LPDDR4X और UFS 2.2 का कॉम्बिनेशन और मेमोरी कार्ड भी एक्सपेंड करने के लिए इसमें आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट। मतलब एक गेमिंग फोन के अंदर परफॉर्मेंस रिलेटेड जो भी मैक्सिमम चीज हो सकता है 10,000 पे ये सब कुछ ये फोन आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए पोको M5 आज के दिन में नंबर वन ऑलराउंड गेमिंग फोन है 10,000 पे। अभी बाय चांस ये फोन अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों के लिए दूसरा सबसे बढ़िया चॉइस होगा रेडमी 11 प्राइम, जो कि आज के दिन में अमेजोन पे अवेलेबल है। करेंटली इसका प्राइस है 9,500 रुपए और सेल के दौरान सेम फोन आपको मिल जाएगा 8,800 रुपए के आसपास। इसमें आपको मिलेगा 6.58 इंच फुल HD प्लस 90Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 180Hz का टच सबलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा हीलियो G99 प्रोसेसर, 52 और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम, 64GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ 2+1 कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, 18W का चार्जर और उसके साथ एक सिंगल स्पीकर का ऑप्शन। और इसके बारे में से कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करते हैं तो आपको इसे मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स और 3.5mm जैक। और स्पेसिफिकेशन को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा ये एक्चुअली जो पोको M5 जो कि फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है उसका ही अमेज़न वाला एडिशन है। मतलब जो लोग फ्लिपकार्ट के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते उन लोगों के लिए रेडमी 11 प्राइम है सबसे बेस्ट चॉइस। इसके बाद हमारे इस लिस्ट का तीसरा सबसे बढ़िया चॉइस है रियलमी 10, जो कि अभी करेंटली फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है और इसका प्राइस है 11,000 रुपए, लेकिन सेल के दौरान ये फोन आपको मिल जाएगा 10,000 से लेकर 10,500 के आसपास। इसमें आपको मिलेगा 6.4 इंच फुल HD प्लस 90Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ 180Hz का टच सबलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा हीलियो G99 प्रोसेसर, 50 और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम, 64GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पर आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट।
बैटरी में आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी, 33W का चार्जर और उसके साथ सिंगल स्पीकर का ऑप्शन। और इसके बाद अगर मैं इसे कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। अभी इस स्मार्टफोन को इस प्राइस पॉइंट में इंक्लूड करने के बहुत बड़ा रीजन है, पहली बात इसका प्रोसेसर हीलियो G99 मिल रहा है, मतलब ठीक ठाक है। अगर इसका रैम और स्टोरेज का जो कॉम्बिनेशन अगर 4/64 के बजाय पोको जैसा 6/128 GB होता बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसका डिस्प्ले, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 11000 पे गेमिंग प्रोसेसर के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलना टोटली ज्यादा इम्पॉसिबल है आज के दिन में। तो इसलिए जिन लोगों को गेमिंग फोन के अंदर जो गेमिंग प्रोसेसर उसके साथ साथ एक बढ़िया क्वालिटी का सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो उन लोगों के लिए Realme 10 होगा सबसे बढ़िया चॉइस या फिर वन एंड ओनली चॉइस। इसके बाद हमें इस लिस्ट का फोर्थ सबसे बढ़िया चॉइस है पोको M6 Pro, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है फ्लिपकार्ट में। करेंटली इसका प्राइस है एक्जेक्टली 11000 रुपए, सेल के दौरान फोन आपको मिल जाएगा 10200 के आसपास। इसमें आपको मिलेगा 6.79 इंच फुल HD प्लस 90Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 4th Gen 2 प्रोसेसर, 50 और 2 MP का डुअल कैमरा, उसके साथ है 8 MP का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम, 64GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी, 18W का चार्जर और उसके साथ सिंगल स्पीकर का ऑप्शन। और अगर मैं इसके भी कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करूं तो आपको इसे मिलेगा एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5mm जैक। अभी ये जो मैंने पोको M6 Pro को चूज किया है ऑब्वियसली एक 5G प्रोसेसर है, मतलब गेमिंग फोन के साथ साथ आपको इसमें 5G कैपेबिलिटी भी मिलेगा। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना है ये जो प्रोसेसर मतलब गेमिंग के लिए ठीक ठाक है, एकदम बेस्ट में नहीं कहूंगा ठीक ठाक है। लेकिन सबसे मेन चीज 4nm आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, मतलब अगर आप लंबे समय तक इसमें मीडियम लेवल का गेमिंग करेंगे तो बैटरी बहुत लंबे समय तक चलेगा। और उसके साथ इसमें आपको मिलेगा गेमिंग फोन की सबसे सबसे बिगेस्ट डिस्प्ले, क्योंकि ऑलमोस्ट 6.8 इंच का जो डिस्प्ले इस प्राइस पॉइंट में दूसरा कोई भी ब्रांड आज के दिन में आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए बिगेस्ट डिस्प्ले वाले सबसे ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर वाले गेमिंग स्मार्टफोन होगा पोको M6 Pro 5G। अगर पोको के फोन आपको पसंद नहीं है या फिर Xiaomi के फोन आपको पसंद नहीं है तो आप लोगों के लिए एक और चॉइस है Infinix Hot 25G। ये जो स्मार्टफोन अभी फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है करेंटली इसका प्राइस है 11000 रुपए, लेकिन सेम फोन ऑफर के टाइम में आपको मिल जाएगा एक्जेक्टली 10000 पे। इसमें आपको मिलेगा 6.6 इंच फुल HD प्लस 120Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा Dimensity 810 प्रोसेसर, 50 और 2 MP का डुअल कैमरा, उसके साथ 8 MP का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम, 64GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा eMMC 5.1 का स्टोरेज और उसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी, 18W का चार्जर और उसके साथ सिंगल स्पीकर का ऑप्शन। और अगर हम इसके भी कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा लास्ट वाले ये जो स्मार्टफोन अगर आप थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये जो स्मार्टफोन सब कुछ ठीक ठाक है, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, रैम रोम ठीक ठाक है, लेकिन जो स्टोरेज का जो क्वालिटी वो आपको मिलेगा eMMC 5.1, जो कि बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ही स्लो क्वालिटी का स्टोरेज आपको मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप गेमिंग फोन के हिसाब से इसे ना ले तो ये आपके लिए बेटर होगा, लेकिन अगर आप ऑलराउंड फोन के हिसाब से लेना चाहते डेफिनेटली बहुत ही बड़ी आप लोगों के लिए चॉइस होगा। और हाँ, इसके बाद आप लोगों के लिए एक और चॉइस मैं बताऊंगा, उसका नाम है Realme Narzo 50। फोन थोड़ा सा पुराना हो चुका है लेकिन ये फोन कभी कभार सेल के दौरान आपको मिल जाएगा 10000 पे। और 10000 के हिसाब से इसमें आपको मिलेगा 120Hz रिफ्रेश वाला डिस्प्ले, हीलियो G96, 16 MP सेल्फी, 33W का चार्जर, मतलब इतना बढ़िया स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर Realme Narzo 50 आपको एग्जैक्टली 10000 या फिर उससे नीचे मिलता है तो ही आप इस फोन को लेने की कोशिश करना। तो भी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि आपको सभी फोन के अंदर कौन सा सबसे बढ़िया लगा और सेल के दौरान आप सभी फोन में से कौन सा लेना चाहेंगे। और हाँ, सभी का बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको इसमें से कोई भी फोन लेना है तो उसमें से ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।